साथियों हमारा एक एग्रियंस क्लासेस का ऐप है, उस पर हमसे आप जुड़िए और कृषि पर्यवेक्षक की संपूर्ण और बेस्ट तैयारी हमारे साथ जुड़ के कीजिए। इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल है एग्रियंस क्लासेस, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होगी, वो अपन ऐप के साथ यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे। एग्रियंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं दलहनी फसलें। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी मूंग, उड़द, चौला, मोट, आज अपन पढ़ेंगे चना यानी ग्राम की फसल। तो आइए साथियों अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चना यानी ग्राम, इंग्लिश में GRAM या चिकपी या बंगाल ग्राम। अब ग्राम, चिकपी और बंगाल ग्राम तीनों ही चना के नाम है, याद रखना। कई बार ऐसे भी पूछ रहे थे बंगाल ग्राम का नाम क्या है, चिकपी का क्या है, ग्राम का क्या है, चने का क्या है। तो हर फसल पढ़ते समय पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं उसका वैज्ञानिक नाम। तो चने का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम। कुल यानी चने की फैमिली क्या होगी, लेग्यूमिनोसी। उपकुल यानी सब फैमिली कौन सी है, पेपिलिनोएसी। उत्पत्ति यानी ओरिजिन पहले इसका माना था दक्षिणी पूर्वी एशिया। 2N बराबर 14 या 16 इसलिए लिखा है, अपन आगे पढ़ेंगे। काबुली चना में अलग होते हैं, वो देसी चना में अलग होते हैं। परागण कौन सा है, स्व परागण यानी सेल्फ पोलिनेशन। पुष्पक्रम रेसिम, फल पोड या फली यानी जो जिनमें फलियां लगती है उसमें फल का प्रकार फली, और फली को इंग्लिश में बोलते हैं POD पोड, इसलिए फल का प्रकार पोड। तो चना ग्राम, चिकपी, बंगाल ग्राम। चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम। कुल लेग्यूमिनोसी, उपकुल पेपिलिनोसी। उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशिया। 2N यानी गुणसूत्रों की संख्या 14 या 16। परागण स्व परागण। पुष्पक्रम रेसिम, फल का प्रकार पोड। विश्व में अधिक चने कहाँ होते हैं, भारत में। कितने कि विश्व का 65% क्षेत्रफल और 70% चने का उत्पादन भारत में होता है। भारत में अधिक कहाँ होते हैं, मध्य प्रदेश में, दूसरा स्थान राजस्थान, तीसरा स्थान यूपी। क्रम भी पूछते हैं कि भारत में चना उत्पादन में स्टेट या राज्यों का क्रम क्या, बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ अवरोही या आरोही क्रम। तो ध्यान रखें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, उससे कम राजस्थान में, उससे कम यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में चने कहाँ अधिक होते हैं, बीकानेर। देखो जो डाटा है ना उत्पादन की, ये बदलते रहते हैं, इसीलिए एग्जाम से जस्ट पहले की क्लासों में करंट डाटा उपलब्ध कराए जाते हैं। चना डाइकोट यानी द्विबीजपत्री है, तो सभी दाल वाली फसलें द्विबीजपत्री है। अंकुरण हाइपोजियल, क्योंकि खरीफ की दालों में ईपीजियल, रबी की दालों में हाइपोजियल होता है। चना सीत्री पौधा है, देखो सभी ये लगभग ग्रेमेनी के अलावा जितने भी आपके फसलें उदाहरण है तो अपन पढ़ाते रहे C3 और C4 है। तो आपके सिलेबस में जो फसलें हैं उसमें ग्रेमेनी कुल में C3 और C4 अलग अलग है। छोटी फसलें C3 जिनकी हाइट ज़्यादा है C4, बाकी अन्य जो फसलें हैं वो C3 है। प्रोटीन चने में 21.1 से 21.2 यानी लगभग 21% प्रोटीन होती है। तो विश्व में अधिक भारत में होता है, 65% क्षेत्रफल और 70% चने का उत्पादन भारत में होता है। भारत में अधिक मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर यूपी में होता है। राजस्थान में अधिक बीकानेर में होता है। चना डाइकोट द्विबीजपत्री है, अंकुरण हाइपोजियल है, चना सीत्री पौधा है, प्रोटीन 21.1% होती है। चने का स्वाद जो होता है खट्टा कड़वापन होता है, क्योंकि चने में दो एसिड पाए जाते हैं, अम्ल, दो प्रकार के एसिड या अम्ल पाए जाते हैं। एक तो होता है मैलिक अम्ल, दूसरा होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अलग अलग मात्रा भी पूछी जाती है। चना में मैलिक अम्ल की मात्रा 90 से 94%, ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा 6 से 10% होती है। तो चना का स्वाद खट्टा कड़वापन होता है। चना में दो प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, या तो मैलिक अम्ल एवं ऑक्जेलिक अम्ल। मैलिक अम्ल की मात्रा 90 से 94%, ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा 6 से 10%। चना खून शुद्धिकरण का काम भी करता है, यानी ब्लड प्यूरिफायर का काम भी करता है। क्या करता है, ब्लड प्यूरिफाई भी करता है, ब्लड प्यूरिफाई भी। चना में विटामिन सी पाया जाता है। चना दाल वाली फसलों का राजा है। चना घोड़े की दाल भी है, क्योंकि घोड़े को भी खिलाने के लिए पसंदीदा दाल है। चना का स्वाद कड़वापन, खट्टा कड़वापन है। दो प्रकार के अम्ल, मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। मैलिक अम्ल की मात्रा 90 से 94%, ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा 6 से 10%। चना ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी खून शुद्धिकरण का कार्य करता है। चना में विटामिन सी होता है। चना दाल वाली फसलों का राजा, किंग ऑफ पल्सेज है, और चना घोड़े की दाल भी है। चुंटाई या निपिंग सामान्य क्या होता है, चने की फसल में
जब चने की फसल 20 सेंटीमीटर हाइट की हो जाए या बुआई के 35 दिन बाद, यानी बुआई के 35 दिन बाद उसको पुराने जमाने में क्या होता है, चुंटाई यानी सीप या भेड़ों का चुंड छोड़ दिया जाता है, तो भेड़ क्या होता है चुंटाई कर दी जाती है, यानी फसल को ऊपर ऊपर से काट लेते थे, भोजन बना लेती थी, तब उसके बाद फसल और अच्छे से वनस्पतिक वृद्धि उसकी और अच्छी चीज होती थी। या वर्तमान में एक टिब्बा नाम का केमिकल है जो 75 ppm एन पार्ट पर मिलियम छिड़काव करते हैं, ऐसा करने से क्या होता है चुंटाई हो जाती है, ऊपर की पत्तियों को निपिंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जैसे चने की ऊपर की पत्तियों को तोड़ देते हैं उसको निपिंग कहते हैं। तोड़ने का तरीका या तो भेड़ चरा दिया जाता था पुराने समय में, तो ये कहते थे सीप फ्लोक, फ्लोक के समय सीप यानी भेड़, यानी भेड़ों का झुंड खेत में छोड़ दिया जाता था। वर्तमान में टिब्बा केमिकल है 75 ppm मात्रा काम में लेते हैं, ऐसा करने से चने की फिर वनस्पतिक वृद्धि और ज्यादा अच्छी होती है। ऐसा कब करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि चने में चंटाई या निपिंग किस में करते हैं, चने में। कैसे करते हैं, या तो भेड़ों के झुंड द्वारा या वर्तमान में टिब्बा केमिकल कितनी मात्रा 75 ppm। अगला क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट है कि चने के पौधे की कितनी हाइट होने पर निपिंग की जाती है, 20 सेंटीमीटर हाइट होने पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निपिंग बुआई के कितने दिन बाद में करनी चाहिए, बुआई के कम से कम 35 दिन बाद में करनी चाहिए। वर्गीकरण, चना का क्लासिफिकेशन, यानी चना कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, देसी चना वे काबुली चना। देसी चना यानी साइसर एरिटिनम नाम है, काबुली चने का नाम है साइसर काबुलिनिकम। तो अपन ने जब चना के क्रोमोजोम पढ़े थे 2n बराबर, तो अपन ने पढ़े थे 14/16, वो इसलिए पढ़े थे देसी चना में 2n बराबर 14 होते हैं, काबुली चना में 2n बराबर 16 होते हैं। तो देसी चना में काबुली चना, देसी चना साइसर एरिटिनम नाम है, काबुली चने का साइसर काबुलिनिकम। देसी चना में 2n बराबर 14 होते हैं, काबुली चना में 2n बराबर 16 होता है। देसी चना का जो दाना होता है वो भूरा काला रंग में छोटे आकार का दाना होता है, भूरा काला वे छोटे आकार का, जबकि काबुली चना इससे विपरीत, भूरा काला की जगह सफेद दाना होता है और छोटे की जगह उस दाने का आकार बड़ा होता है। तो जो देसी चना होता है वो भूरे काले रंग का वे छोटा होता है दाना, जबकि काबुली चना होता है भूरे काले की जगह सफेद रंग होता है, सफेद रंग ज्यादा होता है, थोड़ा छोटे की जगह आकार उसका बड़ा होता है, जबकि देसी चना 2n बराबर 14 जबकि काबुली चना में 2n बराबर 16। देसी चने का नाम साइसर एरिटिनम, काबुली चने का नाम साइसर काबुलिनिकम। इसका बीज सूचकांक यानी 100 बीजों का भार 16 से 26 ग्राम प्रति 100 बीज, और जबकि इसका 26 से 40 ग्राम प्रति 100 बीज, क्योंकि दाना इसका बड़ा होता है। अब है जलवायु या क्लाइमेट। देखो खरीफ की फसल है तो ठंडी गर्म जलवायु, रबी की है तो ठंडी, चना रबी की फसल है, जलवायु क्या होगी ठंडी एवं शुष्क। लेकिन ठंडी एवं शुष्क जलवायु है कोल्ड एंड ड्राई, लेकिन पाला संवेदनशील फसल है, यानी चना में पाला के प्रति बहुत सेंसिटिव फसल है, यानी पाला का नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। बुआई यानी सोविंग, तो बुआई में वही पढ़ते हैं किसी फसल की बुआई कब करते हैं, कितने बीज दर काम में लेते हैं, कितनी दूरी पर बुआई करते हैं। तो ये ध्यान रखना, बुआई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करते हैं। अब होती है बीज दर, बीज दर अलग अलग पूछी जाती है, क्योंकि चना दो प्रकार का है, साधारण चना और वे काबुली चना। साधारण चना की बीज दर है 60 से 80 किलो प्रति हेक्टर, जबकि काबुली चना की है 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर। स्पेसिंग 30 × 10। चने का बीज उपचार कार्बन डजिम या थायरम से करते हैं, कार्बन डजिम करते हैं तो 2 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचार करते हैं, थायरम करते हैं तो 3 ग्राम प्रति किलो बीज काम में लेते हैं, ये कार्बन डजिम 2 से 2.5 ग्राम। तो बुआई कब करते हैं, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। बीज दर कितनी लेते हैं दोनों की अलग अलग, देसी की लेते हैं तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर, काबुली चना की बुआई करनी हो तो 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर। स्पेसिंग 30 × 10 सेंटीमीटर। बीजोपचार या तो कार्बन डजिम से या थायरम से। वेराइटीज यानी चने की किस्में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, देखो एक एक करके। साधारणतः दो प्रकार के चना होता है, देसी चना और काबुली चना। पहले कुछ किस्में पढ़ लेते हैं, कौन सी देसी की कुछ काबुली की, फिर अलग से जो एक एक किस्म वाइज अपन पढ़ेंगे डिटेल में। देसी किस्मों के उदाहरण, देसी चने किस्मों के उदाहरण है सम्राट, वरदान, प्रगति, विजय। तो देसी जो चना है उसकी किस्में है सम्राट, वरदान, प्रगति, विजय। अब जो काबुली चना है उसके उदाहरण है, किस्मों के उदाहरण है L144, L550, K4 या 4, C104, गौरव, गिरनार, सदाबहार। वापस देखें काबुली चने की किस्में है L144, L550, K4, C104, गौरव, गिरनार, सदाबहार।
अब एक एक करके कुछ अलग अलग किस्मों का पढ़ते हैं। गौरव जो किस्म है उसकी विशेषता यह है, एस्कोलाइटा ब्लाइट यानी एस्कोलाइटा अंगमारी प्रतिरोधी है, यानी एस्कोलाइटा ब्लाइट बीमारी का प्रकोप इसमें नहीं होता है। अवरोधी जो किस्म है वो उकटा प्रतिरोधी है, यानी उकटा मतलब विल्ट, जो इसकी विल्ट बीमारी है उसके प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, अवरोधी। पूसा 256 है वो वर्षा आधारित किस्म है। L-135 है वो सूखा सेंसिलेंट ड्रोट जो टॉलरेंट किस्म है। अर्पणा जो किस्म है उसके दाने हरे होते हैं। चापा इसकी प्रथम किस्म है, यानी चने की प्रथम वैरायटी कौन सी है, चापा। RS जो 11 किस्म है वो उत्परिवर्तित यानी म्यूटेंट किस्म है। RS-10 दोहद येलो, RS-11 G-130 BG-209 यानी पूसा 209 प्रताप चना भी इसकी इंपॉर्टेंट किस्म है। तो गौरव एस्कोलाइटा अंगमारी प्रतिरोधी किस्म है, अवरोधी उकटा प्रतिरोधी किस्म है, पूसा 256 वर्षा आधारित किस्म है, L-135 सूखा सेंसिल किस्म है, अर्पणा इसके जिसके दाने हरे होते हैं, चापा इसकी प्रथम किस्म है, RS-11 इसकी म्यूटेंट यानी उत्परिवर्त किस्म है। इसके अलावा अन्य किस्मों में RS-10 दोहद येला, RS-11 G-130 BG-209 या पूसा 209, इसके अलावा प्रताप चना एक। अब कुछ किस्में और है, ICC-2 ये अल्पावधि की किस्म है। इसके अलावा ICCV-10 विशाल फुले, PDM-11 BG-2024 ये भी इसकी अन्य किस्में हैं। ICCV-10 विशाल फुले, PDM-11 BG-2024 NP-58 जो किस्म है सूखा प्रतिरोधी किस्म है, यानी ड्रोट रेजिस्टेंट किस्म कौन सी है, NP-58। GNG-666 का दूसरा नाम वरदान है। C-235 पचेती वे असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। GNG-1581 सिंचित क्षेत्र किस्म है जिसका दूसरा नाम गणगौर है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार क्वेश्चन आया है कि GNG-1581 का दूसरा नाम गणगौर है सिंचित क्षेत्रों के लिए किस्म है। RSG-974 GNG-1558 जिसका दूसरा नाम मरुधर है। तो ICCV-2 अल्प अवधि की किस्म है, ICCV-10 विशाल पुल्ले, PDM-11 BG-2024 अन्य किस्में हैं, NP-58 सूखा प्रतिरोधी किस्म है, GNG-666 वरदान जिसका दूसरा नाम है, C-235 पचेती वे असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है, GNG-1581 का दूसरा नाम गणगौर है जो सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। RSG-974 GNG-1958 का दूसरा नाम मरुधर है। आप पढ़ रहे हैं सिंचाई प्रबंधन चना में, सिंचाई प्रबंधन यानी इरिगेशन मैनेजमेंट। तो सिंचाई प्रबंधन में अपन दलहनी फसलों में यह पढ़ते हैं कि कौन सी क्रांति के होते हैं। तो अपन ने जितनी दलहनी फसलें पढ़ी है उनमें सभी में एक ही क्रांति के होते हैं कि फूल आने से पहले वे फली बनते समय, फूल आने का मतलब पुष्पन से पूर्व, पुष्पन को बोलते हैं फ्लोवरिंग। तो पुष्पन आने से पूर्व यानी प्री फ्लोवरिंग, कौन कौन सी अवस्था, प्री फ्लोवरिंग। तो सभी दाल वाली फसलों में यही है, प्री फ्लोवरिंग वे दूसरी फली बनते से फली को बोलते हैं पोड, बनने को फॉर्मेशन। तो साथियों सिंचाई प्रबंधन में दो क्रांति का उत्साह दलहनी फसलों में होती है, प्री फ्लोवरिंग वे पोड फॉर्मेशन। अगला है उर्वरक प्रबंधन, यानी कितनी नाइट्रोजन, कितनी फॉस्फोरस, कितनी पोटाशियम। तो चने की फसल में 10 से 20 केजी नाइट्रोजन, 20 से 40 केजी फॉस्फोरस और 20 केजी पोटाश की आवश्यकता होती है। अब है खरपतवार प्रबंधन या वीड मैनेजमेंट। तो रबी की फसल है तो रबी के सभी लगभग खरपतवार आएंगे। अब कौन सा खरपतवार ना से काम लेता है, तो दलहनी फसलों में लगभग सब में एक ही जैसे है, या तो प्लूक्लोरलिन काम में लेते हैं या पेंडामेथालिन काम में लेते हैं। ये ध्यान रखना प्लूक्लोरिन को बेसालिन भी बोलते हैं, तो कई जगह इसका नाम बेसालिन होता है, कंफ्यूज ना हो। हालांकि अपने खरपतवार नाश वाले चैप्टर में इनके व्यापारिक नाम पढ़े हैं। तो खरपतवार प्रबंधन में कौन सा खरपतवार नाशी काम लेंगे, प्लूक्लोरलिन या पेंडामेथालिन। प्लूक्लोरलिन 0.75 से 1 केजी, पेंडामेथालिन की मात्रा भी 0.75 से 1 केजी। प्लूक्लोरलिन कब लेते हैं, बुआई से पहले लेते हैं। पेंडामेथालिन कब काम लेते हैं, बुआई के बाद में, अंकुरण से पहले। तो ये तो सभी में मूंग उड़द चौड़ा मोट चना सब में एक ही जैसा है। कीट यानी मुख्य कीट कौन कौन से, ध्यान रखना चने के दो इंपॉर्टेंट कीट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। एक तो है फली छेदक और दूसरा है कटवर्म। फली छेदक यानी पोड बोरर, क्या होता है पोड बोरर, पोड यानी फली, इसमें छेद कर देता है बोर। जैसे क्या होता है, ये चने का फल है, ठीक है, रफ डायग्राम है, इसमें क्या होता है छेद कर देता है और जो दाने होते हैं अंदर खाता है। अक्सर ये कीट ऐसे देखा है आधा बार भी लटकता हुआ मिलेगा आपको, कई बार नहीं भी होता है, कई बार ये इसका लट जो होती है इसके आधी बार लटकती है फली से और आधी अंदर होती है।
तो ये बीच में से फली में छेद कर देती है, इसलिए बोलते हैं फली भेदक बोट बोरर। इसका नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। अब सामान्यतः सभी अपन कीटनाशकों के बारे में एक बार पढ़ा था अपने कि काटने कुतरने वाले कीट और रस चूसने वाले, दो तरह कीट होते हैं। रस चूसने वालों के लिए अलग प्रकार के रसायन काम में लेते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड, और काटने कुतरने वालों के लिए अलग। लेकिन वो तो लेते ही हैं, उनके अलावा कुछ एक स्पेशल चीज है कि जो फली छेदक है उसका नियंत्रण फेरोमोन ट्रैप के द्वारा भी करते हैं। फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जो मादा हार्मोन होता है वो नर को आकर्षित करता है। जैसे मान लो कोई एक ट्रैप लगा दी या एक लकड़ी लगा दी, इसके सारे ऐसे कीमा टाइप बनाते हैं, इसके यहाँ पॉलीथीन वगैरह लगा देते हैं या फेरोमोन का कोई रसायन लगाता है, इससे क्या होता है, एक हार्मोन लगाते हैं जो क्या नर को आकर्षित करते हैं, तो सारे नर आके यहाँ पैक हो जाते हैं। तो ये इससे जनसंख्या नियंत्रण होती है कीटों की। तो फेरोमोन ट्रैप का नियंत्रण से, फेरोमोन ट्रैप से हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का नियंत्रण किया जा सकता है। तो फेरोमोन ट्रैप के जो ल्यूर होते हैं उनकी कितनी मात्रा लेते हैं, एक हेक्टर में 250 LE 250 लार्वा इक्विवेलेंट लेते हैं। फली भेदक की प्रतिरोधी किस्म कौन से, PBG3 RSG902 अरुणा जिसका नाम है, ये प्रतिरोधी किस्म है। दूसरा कीट है कटवर्म, यानी जो जब चना छोटी अवस्था में होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ की अवस्था में, उस समय ये काटने का काम करती है, जैसे कैंची से काटते हैं वैसे चने की फसल को काट देती है, इसका नाम है एग्रोटिस इप्सिलोन। तो फली छेदक का नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, नियंत्रण फेरोमोन ट्रैप से, प्रतिरोधी किस्म है PBG3 RSG902 या अरुणा नाम है, कटवर्म दूसरा कीट जिसका नाम है एग्रोटिस इप्सिलोन। अब है इसकी मुख्य बीमारियां, जैसे दो कीट मुख्य थे उसी प्रकार इसकी दो बीमारियां मुख्य है। एक तो है उकटा जिसको बोलते हैं विक्ट, यानी हरी अवस्था में पौधा का सूख जाना। पौधा हरी अवस्था, किसी फसल में हरा पौधा होता है और वो हरा पौधा अचानक सूख जाता है तो उसको बोलते हैं उकटा, उकट जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विल्ट। विल्ट किसी भी फसल में हो कवक से होती है, और फ्यूजेरियम नाम के कवक से होती है। विल्ट किसी भी फसल में हो फ्यूजेरियम नाम के कवक से होती है। इसकी प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी है, अवरोधी J74, J315, BG256, अनुभव, RSG856 जिसको अर्पण बोलते हैं। तो ये इसकी प्रतिरोधी किस्म है। इनमें से अवरोधी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवरोधी है जो उकटा प्रतिरोधी किस्म है। तो उकटा या विल्ट एक कवक जनित रोग है, फ्यूजेरियम कवक से होता है। प्रतिरोधी किस्म है अवरोधी JG74, JG315, BG256, अनुभव, RSG800। इनमें से अवरोधी मुख्य है, तो उकटा का मतलब हरी अवस्था में सूखना, कवक जनित रोग है, फ्यूजेरियम कवक से होता है। एक ध्यान रखना, फसल को जितनी चने की अधिक गहराई पर बोते हैं उतनी इस बीमारी का प्रकोप कम होता है। तो अधिक गहराई पर बोने से कौन सी बीमारी का चने में बचाव किया जा सकता है, वो है उकटा। अगली है एस्कोहाइटा ब्लाइट, ये भी एक कवक जनित रोग है और एस्कोहाइटा कवक से होती है, और इसके प्रतिरोधी किस्म है गोरव। अब है उपज, चना की सामान्य जो उपज होती है, हमेशा उपज का कोई ज्यादा क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है, उपज इतनी होगी, उपज एवरेज चलती है, उसका पोटेंशियल होता है, यील्ड पोटेंशियल है फसल का, उस पोटेंशियल के अनुसार। तो असिंचित क्षेत्र में 8 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज होती है, वह सिंचित क्षेत्र में 20 से 25 क्विंटल उपज प्रति हेक्टर होती है। धन्यवाद साथियों।